बच्चों की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल की कढ़ी। बेसन की कढ़ी तो आप सभी ने खाई होगी, लेकिन चने की दाल की कढ़ी बनाएंगे तो आपको इसका स्वाद बिल्कुल अलग लगेगा। इसके लिए मैंने ली एक कटोरी चने की दाल, रात को इसको भिगोया, सुबह उसको अच्छे से धोया और अब मैंने उसको पीस लिया। ये देखिए, आपको पतला गाढ़ा कैसा भी टेस्ट बनाना है, क्योंकि कढ़ी में आपको बहुत सारा पानी डालना है। इसमें मैं डाल रही हूँ कच्ची हल्दी, क्योंकि मेरे को इम्यूनिटी फूड पसंद है, मेरे को हेल्थ पसंद है। अगर आप चाहें तो सूखी हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन कच्ची हल्दी क्योंकि आजकल बहुत अच्छी आ रही है और हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है, हेल्थ के लिए अच्छी है। पेंडेमिक चल रहा है तो हमें ऐसी चीजें जहां भी हाथ लगे ना यूज कर लेनी चाहिए। तो बस मैं चने की दाल और ये हल्दी को पीस रही हूँ। देखिए, हल्दी से इसका रंग अच्छा आ गया है। अब मेरे पास ये दही, आधा लोटा दही मैं इसमें डाल रही हूँ। एक कटोरी दही में हम आधा लोटा दही डाल देंगे और इसको एक बार और चला देंगे। देखिए, ये पीसकर तैयार हो गई है। कितना सुंदर रंग आया है, क्योंकि इसमें कच्ची हल्दी है। बस हम अब पतीला गर्म कर लेना है और इसमें मैं डालूंगी घर का बना हुआ ताजा घी। आप चाहें तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। घी गर्म होते ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी मेथी, लाल मिर्च, दो हरी मिर्च, दो लाल मिर्च, ये देखिए मेथी, थोड़ा सा जीरा, दो लाल मिर्च, हरी मिर्च थोड़ी तोड़ के डालते हैं, नहीं तो ये उछल कर आएगी। हल्दी मैंने इसमें डाल ही दी है। हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, हम डालेंगे इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, दो तीन छोटी इलायची, ये देखिए, और एक बड़ी इलायची। इसको अच्छे से हिला लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी सौंफ, जो इसका स्वाद बढ़ाएगी, और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें हींग डाल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी डालिए। और जैसे ये मसाला भुनने लग जाए, ये देखिए, आप इसमें डाल दीजिए पानी। हमने पानी डाल दिया, इससे ये होगा कि हम ये घोल डालेंगे ना चने की दाल और दही का, तो ये नीचे नहीं लगेगा। आप इसको चलाते चलाते ये घोल डालिएगा। ये ध्यान रखिए कि इसको चलाना है, हम इसमें ढेर सारा पानी डालना है। ये दही का बर्तन है जिसमें दही था लोटे में, इसको भी हिलाकर हम पानी डालकर डाल देंगे। और ये जो हमारी मिक्सी है, इसमें भी बहुत सी चने की दाल और दही का घोल लगा हुआ है, इसको भी हम अच्छे से हिलाएंगे और इसमें डाल देंगे। ये हमारी दादी नानी मम्मी सिखाती थी कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाने दो, हर अनाज का दाना यूज में लाइए। अब ये देखिए इसका रंग कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसको हिलाते हुए पकाएंगे करीब करीब 40 मिनट। कच्ची चने की दाल की हम बनाएंगे पकौड़ा। इसके लिए पीछे में हम थोड़ा सा दही डाल देंगे, जिससे कि ये पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। एक चम्मच मैंने भर के इसमें दही डाल दिया है, और ये कढ़ाई का जो तेल है गर्म होने रखा है, एक चम्मच ये तेल डाल देंगे हम। इससे क्या होगा कि पकौड़ियाँ हमारी एकदम सॉफ्ट बनेंगी। अब हम इसको एक ही दिशा में फेंट लेंगे। कढ़ी को थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहिए। मैंने इसमें करीब 2 लोटे पानी डाल दिए हैं। अगर आपको गाढ़ी लगने लगे तो इसमें पानी डालते रहिएगा, और आपको करीब करीब 2-3 मिनट बाद इसको देखना है, और एक बार 5-5 मिनट में हिलाते रहना है। इतने हम पकौड़ी बना लेंगे। चने की दाल अगर आपको पतली लगे तो आप उसमें थोड़ा सा बेसन मिला लीजिए। तेल गर्म होने पर आप इसकी पकौड़ियां उतार दीजिए। ये देखिए, इस तरह आपको छोटी बड़ी जिस साइज की भी आपको पकौड़ियां पसंद है कढ़ी में, उतनी उसी हिसाब से पकौड़ियां उतार दीजिए। देखिए, पकौड़ियों का सुनहरा रंग होते ही हम इनको पानी में उतार देंगे। इनको पानी में डालने से ये होगा कि ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगी। बनाते जाइए और पानी से भरे कटोरे में निकालते जाइए। स्वाद और सेहत के दीवानों, कढ़ी हमारी तैयार है। पूरे 30 मिनट हो गए हैं इसको बनते हुए। इधर मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, कुकर में चावल डाले हैं। अब इसमें डालूंगी मैं पानी, जितने चावल उससे 2 गुना पानी। सबसे अच्छा तरीका है, उंगली डालकर देखिए, चावल से आपका 1 पोरवा ऊपर रहना चाहिए, आपको उतना पानी डालना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जरा सा घी। चावल में थोड़ा सा घी डालने से चावल का एक एक दाना घीला हुआ बनता है,
मैंने सिर्फ इसमें 4-5 बूंद घी के डाले हैं और इसका ढक्कन लगा दूंगी। ठीक, पकौड़ियों को निचोड़ूंगी हाथ से ऐसे दबा दबा कर। एक एक पकौड़ी लेनी है, हल्के हाथ से निचोड़नी है और इनको कढ़ी में डालते जाना। चावल में एक सीटी आ गई है, एक सीटी आते ही आपको गैस बंद कर देनी है। मैंने थोड़ी सी इमली भी हुई थी और इमली का करीब करीब 2 चम्मच पानी मैं इसमें डाल दूंगी ताकि कढ़ी और भी ज्यादा खट्टी हो जाए। इसके बाद मैंने थोड़ा सा घी लिया है पतीले में, इसमें मैं डालूंगी जरा सी लाल मिर्च स्वाद अनुसार और इसमें हम डाल देंगे कढ़ी को। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक कढ़ी में हमेशा लास्ट में ही डालें, इस बात का ध्यान रखें। और कढ़ी की मेरी देखिए इतनी थिकनेस है कढ़ी की, आप चाहें तो पतली या गाढ़ी भी बना सकते हैं। अब बस चावल को खोल लेते हैं, अभी इंतजार बिल्कुल नहीं हो रहा, बहुत तेज भूख लग रही है। कढ़ी और चावल बने हो, ये देखिए कितने बढ़िया खिलवा चावल बने हैं, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ 4 बूंद घी के डाले थे। ये देखिए एकदम एक एक चावल का दाना खिला हुआ बना है। इस तरह चावल कुकर में बनाने बहुत आसान है, सिर्फ एक सीटी में बन जाते हैं। ये देखिए चावल दिए हमने, अब इस पे डाली वर्षा की रसोई की कढ़ी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके प्यारे कमेंट्स का वर्षा को हमेशा से इंतजार रहता है। हाथ दिखाओ, मस्त। जल्द मिलते हैं वर्षा की रसोई में।